चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है और रूस यूक्रेन जंग की वजह से महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंचती हुई साफ दिखाई दे रही है। 24 फरवरी को शुरू हुई यूक्रेन रूस जंग 14 दिन से जारी है और इसके चलते आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है। इस जंग के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $140 प्रति बैरल के पार निकल गए हैं, जो 14 साल का हाई लेवल है। कच्चा तेल महंगा होने से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय माना जा रहा है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले रुपए सबसे कमजोर हालत में पहुंच गया है। अभी $1 की कीमत ₹77 के पार निकल गई है। ऐसे में इससे भी महंगाई बढ़ने लगी है। इसके अलावा नेचुरल गैस महंगे होने से आने वाले दिनों में LPG CNG के दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं अब मेटल्स की कीमत में भी तेजी साफ देखी जा रही है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि इसका आपकी जेब पर क्या असर होगा। सबसे पहले जानते हैं कच्चा तेल महंगे होने से आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। बता दें, रूस ऑयल और नेचुरल गैस का एक मेजर प्रोड्यूसर है। यूरोपियन यूनियन के नेचुरल गैस इंपोर्ट की लगभग 40% सप्लाई रूस करता है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी और इससे खाने पीने के सामान महंगे हो जाएंगे। कच्चे तेल के दाम $140 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं, जो कि 14 साल का हाई लेवल है। साथ ही बता दें, ऊर्जा की दिग्गज कंपनी शेल ने मंगलवार को कहा कि वह रूसी तेल और प्राकृतिक गैस खरीदना बंद कर देगी। साथ ही यूक्रेन के आक्रमण पर कंपनियों पर संबंध तोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच शेल देश में अपना सर्विस स्टेशन, विमान ईंधन और दूसरे ऑपरेशन बंद कर देगी। कंपनी ने एक बयान में यह भी कहा कि वह चरमबद्ध तरीके से कच्चे तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस सहित सभी रूसी हाइड्रोकार्बन से वापस लेगी। ये फैसला तब आया जब तेल की बढ़ती कीमतों ने वैश्विक बाजार में हलचल मचा दी है और कुछ ही दिनों बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूसी तेल खरीदना जारी रखने के लिए शेल की आलोचना की। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार के साथ व्यापार करना जारी रखने के लिए कंपनी को फटकार भी लगाई। आपको बता दें, 24 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था तब कच्चा तेल $100 पर कारोबार कर रहा था, जो अब 140 तक पहुंच चुका है। और वहीं यानी 13 दिनों में ही कच्चा तेल 40% महंगा हो गया है। कच्चे तेल के इंटरनेशनल मार्केट में $1 प्रति बैरल महंगा होने से पेट्रोल डीजल की कीमत में भी प्रति लीटर 50 से 60 पैसे तक का इजाफा देखा गया है। एक्सपर्ट्स का भी अनुमान है कि पेट्रोल डीजल के दामों में ₹25 तक की बढ़ोतरी और हो सकती है। वहीं सरकारी तेल कंपनियां जल्द ही इनकी कीमत में ₹6 तक की बढ़ोतरी कर देगी। अब कच्चे तेल से आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, हम जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मैं आपको बता दूं कि ₹25 तक महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, गाड़ी चलाना महंगा हो जाएगा सबसे पहली बात। वहीं ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, खेती की लागत बढ़ने से खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। टैक्सी, ऑटो और बस का किराया आपका ज़्यादा लगने लगेगा। वहीं प्लास्टिक भी कच्चे तेल से ही तैयार होता है, ऐसे में इससे भी जो है सामान जो बनते हैं वो भी महंगे हो जाएंगे। अब अगर LPG CNG की बात करें, अगर इनका रेट और आगे बढ़ता है, दाम बढ़ता है, तो इससे आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा वो भी जानना महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा बता दें, रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण नेचुरल गैस की सप्लाई चेन को भी नुकसान हुआ है। दुनिया की कुल नेचुरल गैस उत्पादन में 17% हिस्सा रूस का है। ऐसे में यूक्रेन रूस विवाद से इसकी सप्लाई प्रभावित हो रही है। इससे वैश्विक स्तर पर गैस की कमी का असर दिखने लगा है और आने वाले
वाले दिनों में एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में प्रति किलो 10 से 15 रुपए की बढ़ोतरी और हो सकती है। वहीं अगर हम सोने चांदी पर नज़र डालें तो रूस यूक्रेन युद्ध के चलते फरवरी के आखिरी हफ्ते से अब तक कॉपर, जिंक, निकल, लेड और एल्यूमिनियम जैसे बेस मेटल्स के दाम घरेलू बाजार में 201% तक बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो इनमें 300% से भी ज़्यादा का उछाल आ चुका है। इसके चलते इलेक्ट्रॉनिक्स, वाइट गुड्स और बर्तन समेत वे तमाम वस्तुएँ महंगी हो जाएंगी जिनमें बेस मेटल्स इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक वाहन में भी सभी मेटल्स का इस्तेमाल होता है तो इन पे भी इसका असर पड़ेगा। इसके अलावा सोने और चांदी के दामों में भी शानदार तेजी देखने को साफ मिल ही रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यानी सिर्फ 13 दिनों में ही ये 51,000 से 54,000 पर आ गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सोना 56,000 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर चांदी की बात करें तो 67,000 से 71,000 पर यह आ गई है और इस साल 80 से 85,000 रुपए प्रति किलोग्राम का लेवल साफ दिख रहा है। एल्यूमिनियम, निकल और तांबे में आगे भी तेजी साफ दिखने की उम्मीद है। बता दें वैश्विक बाजार में 24 फरवरी से अब तक सबसे ज़्यादा 302% की जो कीमत है वो निकल की जो है वो बड़ी है। वहीं इसका इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील और बैटरी में भी होता है। घरेलू बाजार में भी 201% ये महंगा हो चुका है। अब बता दें इसका असर स्टेनलेस स्टील के बर्तन और मेटल्स उपकरणों पर भी दिखेगा। वहीं कॉपर, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ने से बिजली से चलने वाले उपकरण और अन्य सामान भी महंगे हो गए हैं। अब आगे जानते हैं कि गोल्ड सिल्वर की जो अगर रेट और आगे बढ़ते हैं तो इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, ग्राफिक्स के जरिए हम नजर डालते हैं। बता दें मेटल्स के महंगे होने का ये जो असर है वो साफ दिखने लग जाएगा, वो अब दिख भी रहा है। सोना चांदी से बनी ज्वेलरी महंगी हो जाएगी। गाड़ियों की कीमत पर भी इसका साफ असर दिखाई देगा। वही मोबाइल, टैबलेट्स बनाने में भी चांदी का उपयोग होता है, इनकी कीमत भी बढ़ सकती है। वहीं एल्यूमिनियम और तांबे से बनने वाले बर्तन महंगे हो जाएंगे। इतना ही नहीं, एल्यूमिनियम और तांबे से बनने वाले तार महंगे हो जाएंगे। इससे इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं उन पर भी असर पड़ेगा और वो भी महंगे हो जाएंगे। अब बात करते हैं गेहूँ की, तो रूस और यूक्रेन दुनिया के बड़े गेहूं एक्सपोर्टर्स हैं। रूस जहां दुनिया में गेहूं एक्सपोर्ट करने के मामले में पहले नंबर पे है, तो वहीं यूक्रेन पांचवा बड़ा गेहूं एक्सपोर्टर है। कजाकिस्तान, जॉर्जिया, तुर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान टॉप 5 देश हैं जो रूस से गेहूं का इंपोर्ट करते हैं। वहीं यमन, लीबिया और लेबनान जैसे देश जो पहले से ही युद्ध से गुजर रहे हैं वो अपने गेहूँ के लिए यूक्रेन पर निर्भर हैं। बता दें यमन अपनी खपत का 22% यूक्रेन से इंपोर्ट करता है, लीबिया लगभग 40 से ज़्यादा प्रतिशत और लेबनान अपनी खपत का लगभग आधा गेहूं यूक्रेन से इंपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, इस टकराव से इन देशों में जो अस्थिरता है और ज़्यादा बढ़ सकती है। इससे आने वाले समय में गेहूं के दाम बढ़ने लगेंगे। इससे दलिया, ब्रेड, बिस्किट, नूडल्स, पिज़्ज़ा और सूजी के अलावा गेहूँ से बनने वाले अन्य आइटम्स भी महंगे हो जाएंगे। अब नज़र डालते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए अगर हम नज़र डालें इस पे तो आगे बता दूं मैं आपको कि अगर इसका रेट और बढ़ता है गेहूं का तो क्या असर होगा, ये हमने आपको साफ बता दिया है। अब बात करते हैं डॉलर और रुपए की। जी हाँ, रूस यूक्रेन युद्ध के चलते रुपए पर दबाव बना हुआ है और इसी का नतीजा है कि ये डॉलर के मुकाबले सबसे कमज़ोर हालत में पहुंच गया है। अभी एक डॉलर की कीमत 77 रुपए के पार निकल गई है। ऐसे में इससे महंगाई बढ़ने लगी है। डॉलर के मजबूत होने से पेट्रोल, डीजल से लेकर विदेश में पढ़ाई करना सब महंगा हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि आने वाले दिनों में डॉलर 80 रुपए तक पहुंच सकता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि 80 डॉलर से भी ज़्यादा ये आगे उछाल इसमें देखा जा सकता है। वहीं अगर हम खाने के तेल की बात करें तो सनफ्लावर ऑयल के मामले में भारत इसके लिए लगभग पूरी तरह से रूस और यूक्रेन पर निर्भर है। भारत में होने वाले सनफ्लावर ऑयल के कुल इंपोर्ट का 90% से ज़्यादा इन्हीं जो दो देश हैं इनसे आता है। रूस यूक्रेन जंग के साथ ही देश में सूरजमुखी के तेल की सप्लाई भी थम गई है। इसके चलते खरीदार सूरजमुखी के तेल के विकल्प के तौर पर पाम तेल और सोया तेल की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इससे इन तेलों के जो दाम हैं वो बढ़ने लग गए हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान ही इसकी कीमत में 10 से 35 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
तो ये थी बात मैंने आपने जो आपको बताई रूस यूक्रेन जो जंग है जो युद्ध चल रहा है इस पे हर किसी की नज़र है और इस जंग से जो आपकी हमारी अर्थव्यवस्था है या महंगाई कह ले वो एक अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। अब इसका असर आम आदमी की जेब पर तो पड़ता साफ दिखाई दे रहा है और ये आगे कितनी और ज़्यादा महंगाई इससे बढ़ेगी ये देखना बहुत ही दिलचस्प भी बन गया है। पर ये एक बहुत बड़ी बात भी है कि रूस यूक्रेन संकट से महंगाई आगे बढ़ती जा रही है। तो आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।